दोस्तों आज ना मैं बताऊंगा आप सबों को बिना एटीएम कार्ड के पैसा कैसे निकलता है मशीन से। जी हाँ दोस्तों, एटीएम मशीन से आपने काफी लोगों को देखते होंगे कि बिना कार्ड लगाए पैसे निकाल लेते हैं और बाकी के लोग कार्ड दो बार तीन बार ट्राई करते रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जमाना हो गया डिजिटल और इस तरह से आप भी पैसा निकालना चाहते हैं बिना एटीएम कार्ड के, तो ये मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए। तो सबसे पहले डेमो देख लीजिए कि किस तरह से पैसा निकाला है हमारे एटीएम मशीन से और हमारा एक कैश, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, पहले वीडियो को गौर से आप देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद इसके बारे में सही से विस्तार रूप से आपको बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको जानकारी दूंगा। इसका सिस्टम हमारा समझ ना लगते हैं क्या सर? लग जाए। Please wait while your transaction is closed. इलाहाबाद राज्य में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, समझ लो। बैंक में जाके देखो। दोस्तों ये सुविधा वही लोगों के पास स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप आसानी से नेट बैंकिंग बना लीजिए और नेट बैंकिंग का यूजर आईडी डाल करके यहाँ योनो ऐप में लॉगिन कर जाइए और यहाँ से आप आसानी से 20,000 रुपया डेली योनो ऐप के माध्यम से निकाल सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। जी हाँ दोस्तों, आप अगर रजिस्टर कर लेते हैं नेट बैंकिंग, उसके बाद आपको करना क्या है, योनो ऐप आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे योनो SBI लिखना है, इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ से आपको डाउनलोड होने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद फिर से आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ कि मैं आपको बता दूँ कि आपके मोबाइल के इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ आप डाउनलोड करते हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ आपका जो पासवर्ड होता है योनो SBI का वो आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए मैंने अपना पासवर्ड डाल के आगे के प्रोसेस कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ 6 अंकों का जो पासवर्ड होता है वो आप आपको डालने के बाद लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद इस तरह का आपका योनो का सर्विस आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप अकाउंट के बैलेंस अगर देखना चाहेंगे तो व्यू बैलेंस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, और योनो SBI से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ योनो कैश पे क्लिक कर देना होगा। जी हाँ, अगर आप बिना ATM के पैसा निकालना चाहते हैं तो योनो कैश पे आपको क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ योनो कैश ATM आपको बताया गया है। विड्रॉल मनी फ्रॉम SBI ATM ट्रांजेक्शन लिमिट 20,000 डेली का। जी हाँ दोस्तों, आपको 20,000 डेली का लिमिट है जो आप आसानी से बिना ATM कार्ड निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए आप एक बार में 20,000 नहीं निकाल सकते हैं, 100 से लेके आप 10,000 तक ही एक बार में निकाल सकते हैं। अगर 20,000 निकालना है तो आपको 2 बार प्रोसेस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि प्रोसेस किस तरह से करना होगा। 2 बार जैसे आपके अकाउंट में जो पैसा होगा यहाँ शो कर देगा, जितना पैसा है वहाँ आपको डाल देना होगा। चलिए मान के चलिए आपको 10,000 निकालना है तो 10,000 यहाँ आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे 10,000 यहाँ डालेंगे उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ तो आपको योनो SBI का जो पासवर्ड होगा 6 अंकों का वो डालना होगा कन्फर्म के लिए। वो जैसे 6 अंकों का पासवर्ड डालेंगे तो कन्फर्मेशन आपको दे दिया जाता है एक मैसेज कि मैंने आपको परमिशन यहाँ से दे दिया हूँ 10,000 विड्रॉ करने के लिए। तो वहाँ से कन्फर्मेशन मिलने के बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है, उस मैसेज में 6 अंकों का एक 6 डिजिट का नंबर आता है जो आपको कि योनो का वो ट्रांजेक्शन मान के चलिए एक तो ट्रांजेक्शन पिन होता है। उसके बाद आपको जाना है अपने मोबाइल आपको ATM में, नियर बाई ATM में जहाँ आपको योनो का आइकन दिखेगा। दोस्तों आ जाना है आपको अपने ATM में योनो का जहाँ आपको दिख रहा है योनो कैश, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों योनो कैश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ जो पिन है, जो आपको मैसेज द्वारा 6 अंकों का पिन आता है SMS के माध्यम से वो डाल देना है। वो पिन SMS वाला डालने के 6 अंकों के बाद आपको कंफर्म आता है ऑप्शन, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जितना पैसा आपने प्रोसेस किया निकालने का उतना पैसा आप डाल दीजिए। मैंने 2500 का किया है, उसके बाद यहाँ यस कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद लोडिंग लेने के बाद इस आपको आ जाता है आपको 6 अंकों का योनो का पासवर्ड डालने का। जी हाँ, जो आपको योनो
ऐप का पासवर्ड 6 डिजिट का वो डाल देना है। फिर उसके पासवर्ड डालने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आ जाता है पैसा काउंटिंग का ऑप्शन, जहाँ से आपको कैश कलेक्ट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है योर ट्रांजेक्शन ही प्रोसेडिंग प्लीज वेट। मैंने वेट कर रहा हूँ और यहाँ हमारा कैश काउंटिंग हो रहा है, मैंने जितना अमाउंट दर्शाया, और नीचे से हमारा कैश कलेक्ट भी हो चुका है। तो इस तरह से आप भी बिना एटीएम कार्ड का कैश निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो